इस बेचारे की हालत देखें, घास कर करके जो है ना मुझे ही गालियां देता है कि यार आप भैंसों को बेचो, मुझसे नहीं होता घर का काम। अभी आपको जो है ना चौक का माहौल चेक कराता हूँ, पांच बजे यहाँ पे क्या हो रहे हैं। माशाल्लाह जी, हर कोई जो है ना खरीदारी करने के लिए आया हुआ है, सब्जी खरीद रहा है। दोस्तों टाइम हो रहा है तकरीबन 7 का और अभी अभी घर वापस आ गया हूँ। हालत चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी हवा चल रही है लेकिन यहाँ पे बारिश होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पता नहीं क्या मसला है। तो आप दुआ कर दें हमारे इलाके में बारिश हो। तो वीडियो यार बनाते हैं गर्मी में, लेकिन आप जो है ना वीडियोस को मुकम्मल नहीं देखते। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें वीडियोस को यार। अच्छे से अच्छे व्लॉग आएंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट होगी थोड़ी बहुत इंशाल्लाह। तो जल्द जल्द आपको वीडियोस में अच्छे से अच्छे जगह अपना इलाका सैर करवाने वाला हूँ आपको, लेकिन आपने रिस्पॉन्स देना है, वीडियोज़ को मुकम्मल देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आपको अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें, ये जी नई मुर्गी हमारे घर आई है और इसको जो है ना मुर्गा ब्लैक वाला बहुत मारी जा रहे हैं, बहुत मारी जा रहे हैं। ये बेचारी फिर यहाँ पे आके मेरे पाँव पे बैठ गई है, वो कह रही है कि आप मेरे साथ यहाँ पे बैठो वरना वो तो मुझे मार देगा। तो ये बैठी हुई है अभी चुप करके, तो कभी कभी मुझे मारती भी है, तो लेकिन मैं यार बर्दाश्त कर लेता हूँ क्योंकि यार ये नई नई घर में आई है, तो इसका जो है ना अब थोड़े एक दो दिन के अंदर सेट होगी। लेकिन उसको जो है ना बहुत ज़्यादा मार रहा है ब्लैक वाला, वो मुर्गा वहाँ पे खड़ा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही मार रहा है इस बेचारी को। तो इसको बांधा भी हुआ है लेकिन क्या है कि इसको मारता है, और वो देखें मुझे भी मार रही है, गुस्सा मेरे ऊपर उतार रही है उसका। ब्लैक वाला मुर्गा इसको मार रहा है और ये गुस्सा मेरे ऊपर कर रही है। और शाम का टाइम है, वो देखें भैंसें भी हमारी खड़ी हुई हैं माशाल्लाह, चारा खा रही हैं, चारा यहाँ पर मिल भी नहीं रहा, लेकिन क्या है मजबूरन हमें, ये हमारा सब कुछ है तो ये रखा हुआ है माल वगैरह। तो इंशाल्लाह एक आधी बेचेंगे, ये जो बड़े वाली इसको जो है ना कुर्बान कर रहे हैं, या इसको कुर्बान करेंगे या इसको सेल करके और जो है ना कोई बच्चा वगैरह या कोई और चीज़ लेंगे ताकि कुर्बानी उसकी करें, मतलब अकीका करना है। घर वालों ने कहा होगा कि अल्लाह के नाम के ऊपर करनी है ये वाली भैंस जो है बड़े वाली। तो अभी खाई जा रही है जी, तो माशाल्लाह दो भैंसें हमारी गबन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना हमारा घर में जो है ना दूध भी आने वाला है। बस दुआ करें अल्लाह पाक जल्द जल्द जो है ना जो सुबह हो भैंस। तो ये देखें मैं इधर बातें कर रहा हूँ और ये मारी जा रही है, मैं इसको नीचे छोड़ता हूँ तो फिर वो मुर्गा जो है ना आएगा, इसको अपना देखते हैं क्या करता है इसके साथ, आप भी चेक करना देखें। अब इसको जी हम उधर छोड़ रहे हैं, अब वो देखें कुट 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 लगाए हुई है, शगनी भी हमारी जो है ना माशाल्लाह थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है, और इधर से मौसम ये भी बन के आ रहा है जी। अब दुआ करें कि बारिश हो, शाम का टाइम है, हर कोई अपने घरों की तरफ रवाना दवाएँ, तो परिंदे भी अपने घरों की तरफ रवाना दवाएँ, हम भी घर आ चुके हैं। तो आपको व्लॉग के अंदर दिखाया है माशाल्लाह, तो हालत चेक करें क्या हुई पड़ी है, लेकिन आप व्लॉग नहीं देखते। इस बेचारे की हालत देखें, घास कर कर के जो है ना मुझे ही गालियाँ देता है कि यार आप भैंसों को बेचो, मुझसे नहीं होता घर का काम। मैंने कहा यार कर लो कुछ दिन के लिए। तो ये भैंसें चारा खा रही हैं, अब चेक करें उसको, अब इधर आया हूँ तो वो देखें, और छोटी है भाई, वो छोटी है, अब आपके लेवल की नहीं है, ठीक है, जब आपके लेवल की होगी तब उसके करीब आना, अभी जो है ना उसके करीब नहीं जाना आपने, समझ आई आपको, शर्म करो। The next day. दोस्तों 12 का टाइम हो गया और मैं जा रहा हूँ अभी रोटी खाने घर, तो भाई आया था चौक पे, तो अभी जा रहा हूँ माहौल चेक करें, गए आगे से आ रही हैं, कोई टक्कर ना मार दे। ओए होए, ओ ओ ख्याल ख्याल ख्याल, बच गया जी इनकी भीड़ से। और पीछे चेक करें कितनी बड़ी गाय जा रही है, माहौल चेक करें जी, गर्मी इतनी शदीद किस्म की है कि आपको पता नहीं, बस आपको नज़र आ रहा होगा गर्मी कितनी शदीद किस्म की है। घर जाके आपसे फिर मुलाकात होगी। इनको कभी आपने देखा है, जो आवाज़ आप सुन रहे हो इसको आप अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो ये देखें जी, भूख ख़त्म करने के लिए जी थोड़ी सी हमारे पास सवैयाँ आ चुकी हैं,
तो ये खाते हैं, उसके बाद फिर जो भूख थोड़ी सी खत्म हो गई है, अभी साधन वगैरह बन रहे हैं वो खाएंगे, फिर उसके बाद जा रहे हैं रेडी पे भी पूरी खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत लजीज बनी हुई है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारे पास जी दिन का नाश्ता मतलब दिन का खाना आ गया है जी। ये देखें माशाल्लाह, आज जी आलू और रोटी है ये जी, अब खाएं। उसके बाद हम जाते हैं चौक पर, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, चौक पर भी जाना है, वहाँ पे भाई वेट कर रहा होगा। दोस्तों दिन का खाना खा के फिर दोबारा चौक पर जा रहा हूँ, तो शावर ले लिया है ताकि धूप वगैरह ना लगे, गर्मी इतनी शदीद किस्म की है कि आपको बता नहीं सकता, शावर के बगैर बंदा रह नहीं सकता, बार बार शावर लेना पड़ता है इतनी गर्मी में, वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होगी चौक। A few moments later. दोस्तों चौक पर पहुँच गए हूँ और यहाँ पे देखा तो भाई नहीं है, पता नहीं किधर चला गया है वो। तो इधर से जी नमक पारे काटे जा रहे हैं, छोटा सा शहजादा बच्चा काट रहा है। चौक पर पहुँचो अपनी रेडी पर, तो माशाल्लाह देखें थोड़ा बहुत काम चला हुआ है, सेल माशाल्लाह की हुई है भाई ने, और वो पता नहीं है कहाँ पर, समझ नहीं आ रही, वो रेडी छोड़ के पता नहीं है प्लेटें वगैरह देने गया होगा या नहीं गई, हवा में हवा खाने के लिए गया होगा, लेकिन हवा खाने तो ये देखें पंखा चल रहा है नीचे, खाता पता नहीं किधर गया होगा था करे गया है, बर्फ लेने गया हुआ था, तो अभी इसको भेजता हूँ घर, ये घर जाए रोटी खा ले, मैं यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी जो है ना निभाता हूँ। मेरे साथी इनको समझाओ भाई, यार वीडियो नहीं बनावा ना, देख वीडियो दे काम का बनावा ना, बता अभी कैमरा चाहता है हेड साइड निकल 15 आंधी तक, मैं कितनी दा समझाया पे आपको, जेब रखा कर हां रख जेब में। तकरीबन हो रहा है जी 5 का, दोस्तों अभी आपको जो है ना चौक का माहौल चेक कराता हूँ, तो 5 यहाँ पे क्या हो रहा है। माशाल्लाह जी हर कोई जो है ना ख़रीदारी करने के लिए आया हुआ है, सब्ज़ी खरीद रहा है, सबसे ज़्यादा आवाम जो है ना ख़रीदारी करने के लिए आई हुई है, गर्मी की सताई आवाम, सारा दिन गर्मी, और अभी जो है ना सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है क्योंकि हवा तो ही पड़ी है, ऊपर देखें बादल आ गए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में बरसेंगे नहीं, तो आप भी दुआ कर दें, क्या पता अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाए, कमेंट में आमीन लाजिम लिखना है कि अल्लाह पाक हमारे इलाके में बारिश बरसा दे और हमारा इलाका भी ठंडा हो, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत सी आवाम जो है सताई हुई है, गर्मी परेशान है, गर्मी की वजह से देखें पसीना पसीना हो ही पड़ी है आवाम, तो इस मौसम के अंदर मोटरसाइकिल वाले तो मज़े उड़ा रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर हवा चलती है, हवा लगती है, लेकिन जो बैठा हुआ है ना उसके लिए आज़ाद है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और आज का व्लॉग पसंद आया, अगर आज की वीडियो और आज का व्लॉग पसंद है लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।